दिनांक 11 अगस्त वर्ष 2020 आठवीं कक्षा मैथ्स। बच्चों आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे छठवा चैप्टर बैजिक राशियों के गुणनखंड। ये जो चैप्टर है पांचवें चैप्टर का बिल्कुल विपरीत है। पांचवें चैप्टर में हम लोग विस्तार करना सीख रहे थे, विस्तार सूत्र, और अब हम सीखेंगे गुणनखंड। देखिए यहाँ पर x प्लस एक्स प्लस बी का विस्तार हमने सीखा था तो ये सूत्र मिला था। अब इसी का उल्टा हमें प्राप्त करना है, उल्टी क्रिया करनी है कि विस्तार हमें दिया होगा विस्तार रूप और उसे गुणनखंड करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। 6.1 हम करेंगे। तो ये टाइप का सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के सवाल आपको 9th और 10th में भी मिलने वाले हैं, तो इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये विस्तार रूप दिया है और हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका, सबसे पहला स्टेप तो आपको ये करना है कि एक्स स्क्वायर के पीछे जो गुणांक है, जो भी नंबर है, उसका लास्ट वाले नंबर में गुणा करिए। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर के पीछे कोई नंबर नहीं तो 1 है, तो 1 × 18 18। यहाँ पर भी कुछ नहीं यानी 1 है तो 1 × 9 9। यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1 × 144 144। ये 5 है और ये 10 है तो 5 × 10 = 50। ये 1 और 35 है तो 1 × 35 35। 1 × 44 ये 2 × 45। यहाँ पर 20 × 8 ये 44 × 3 ये 3 × 15। फर्स्ट स्टेप आपको यही करना है। उसके बाद क्या करना है आइए मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। यहाँ पर तो पहला सवाल देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x + 18। तो इसमें थोड़ा सा रफ़ कार्य आपको करना होगा। रफ़ कार्य देखिए क्या करना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के पीछे जो गुणांक है वो 1 है और ये लास्ट वाला नंबर 18 है, इनका गुणा कर दो 1 × 18। तो देखिए मैंने यहाँ पर किया है 1 × 18, तो 18 आ गया। अब देखिए 18 का हमें गुणनखंड करना है, यानी ऐसे दो नंबर प्राप्त करने हैं जिनका गुणा करने पे 18 आना चाहिए, लेकिन ये दो नंबर इस तरह से होना चाहिए कि उन्हें हम प्लस करें। देखिए यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो प्लस करने पे यहाँ पर 9 नंबर है तो 9 आना चाहिए, प्लस करने पे 9 आना चाहिए। तो 18 का गुणनखंड करना है, यानी ऐसे दो नंबर प्राप्त करने हैं जिनका गुणनफल 18 हो और उन्हीं नंबर का योगफल 9 हो, प्लस करने पे 9 हो। तो देखिए 6 और 3 ही ऐसे नंबर हैं जिनका गुणा करें तो 18 आएगा और प्लस करें तो 9 आएगा। 6 × 3 = 18 6 + 3 = 9। 6 और 3 नंबर मिल गया। अब यहाँ पर समीकरण x में है, एक्स स्क्वायर और x, तो इसलिए दोनों नंबर के साथ x लग जाएगा। पहला चिन्ह प्लस है तो यहाँ भी पहला चिन्ह पहले नंबर के पीछे प्लस ही आएगा। ये जो चिन्ह है ये कैसे करना है, यहाँ पर ये जो दो चिन्ह है दोनों का गुणा कर दो, प्लस इनटू प्लस, तो प्लस होता है तो इसलिए यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ऐसी दोनों अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस इनटू माइनस करेंगे तो प्लस होगा, तो भी यहाँ प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस है, तो प्लस इनटू माइनस माइनस, तो बीच में माइनस लग जाएगा। तो इस तरह से +6 + 3x प्राप्त होगा। ये रफ़ आप समझ लीजिए, हर सवाल में मैं समझाऊँगा तो आप ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद अपने मन से करने की कोशिश करिएगा। तो इस तरह से रफ में हमें +6x + 3x मिला। अब आगे का स्टेप देखिए, एक्स स्क्वायर है, पहला पद आपको वैसे का वैसे लिखना है, लास्ट वाला पद +18 भी आपको लास्ट में वैसे ही लिखना है, सिर्फ बीच में 9x के जगह पर आपको ये +6x + 3x लिख देना है। तो देखिए 9x के जगह पे +6x + 3x आ गया। अब ये यहाँ 1 2 3 4 पद हो गए हैं, चार पद में से इन दो में कॉमन निकालेंगे, उसके बाद इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। कॉमन किसे कहते हैं, जो दोनों पदों में हो।
जैसे देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ x है, तो एक्स स्क्वायर यानी x इंटू एक्स और ये 6 इंटू एक्स, तो x दोनों में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर x हमने बाहर निकाल दिया, जिसे कॉमन लेना कहते हैं। x कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद दोनों पद में जो बच रहा है वो ब्रैकेट में लिखना है। जैसे एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो भी x बच रहा है, देखिए x इंटू एक्स करने पर एक्स स्क्वायर आना चाहिए। ऐसे 6x है, x कॉमन ले लिया है तो क्या बचा, 6 बचा, 6 यहाँ आ गया। गुणा करने पे फिर ऊपर वाला ही मिलना चाहिए, चेक कर सकते हैं आप, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर फिर प्लस x इंटू 6 6x, तो ये कॉमन ले लिया। ऐसे ही अगले दो पद में भी आपको कॉमन ले लेना है। यहाँ पर देखिए 3x है और 18 में भी 3 6 18 होता है, 3 × 6, तो 3 × x 3 × 6, 3 दोनों में कॉमन है तो 3 ले लिया कॉमन, 3x में 3 कॉमन ले लिया तो x बचा। ऐसे 3 6 18 3 6 18 है, 3 कॉमन ले लिया तो 6 बच गया। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों पद में x प्लस 6 कॉमन है, तो इसलिए x प्लस 6 कॉमन, x प्लस 6 कॉमन लेने के बाद क्या बच गया, x और प्लस 3 बच रहा है तो दूसरे ब्रैकेट में आ गया। तो ये हो गया गुणनखंड रूप, ये विस्तार रूप में था, ये उसका गुणनखंड रूप हो गया। पांचवें चैप्टर में हम इसका उल्टा कर रहे थे, हमें ये रूप दिया था और हम लोग सूत्र के द्वारा ये प्राप्त कर रहे थे, तो आज इस बार जस्ट इसका उल्टा हो गया। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, स्टेप याद रखिएगा। सबसे पहला स्टेप है एक्स स्क्वायर के गुणांक को यहाँ चरांक में इस नंबर में गुणा करना, तो 1 × 9 9 हो जाएगा। फिर ऐसे गुणनखंड ज्ञात करो 9 के कि प्लस करने पे 10 आए, प्लस करने पे 10 आना चाहिए। तो देखिए 9 × 9 9 1 9 9 और 1 को प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो देखिए रफ़ कर रहा हूँ मैं, 1 × 9 9 9 × 1 करेंगे तो 9 × 1 9 होता है, और 9 और 1 को प्लस करेंगे 10 हो जाता है। x है तो इसलिए ये 9x 1x हो जाएगा। माइनस है तो पहला चिन्ह माइनस का ही आएगा, दो और ये दूसरा चिन्ह प्लस है तो माइनस इंटू प्लस, दोनों चिन्ह अलग अलग रहेंगे तो हमेशा बीच में माइनस ही लगेगा, तो ये -9x - 1x हो गया। पहला पद और अंतिम पद वैसे का वैसे लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 वैसे लिखना है, सिर्फ ये जो बीच वाला पद है उसके जगह पे आपको ये लिखना है -9x - 1x, तो -10x की जगह पे -9x - 1x लिख दिया। अब ये इन दोनों पदों में आपको कॉमन चेक करना है, देखिए x ही कॉमन आ रहा है तो x कॉमन, x स्क्वायर में से x कॉमन तो क्या बचेगा, x बचेगा। ऐसे 9x में से x कॉमन ले लिया गया है तो 9 बचा, तो 9 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये माइनस और प्लस 9 का मतलब भी -(-9) ही होता है, प्लस यानी माइनस माइनस, तो यहाँ पर हमें माइनस है तो माइनस ले लिया, 1 कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, 1 कॉमन, ये x वैसे का वैसे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने माइनस कॉमन लिया है और आप जानते हैं -(-) प्लस होता है, प्लस यानी कि माइनस माइनस, तो उसमें से एक माइनस बाहर हमने ले लिया है तो दूसरा माइनस यहाँ बच जाएगा, अब 9 यहाँ बच जाएगा। गुणा करके आप रीचेक करिए, 1 × x x 1 × 9 9, ऐसे -(-) प्लस, तो गुणा करने पे ऊपर का ही स्टेप आ रहा है इसलिए हमारा कॉमन सही है। अब x माइनस 9 यहाँ देखिए दोनों पदों में है तो x माइनस 9 कॉमन बच गया, x माइनस 1 वो दूसरे ब्रैकेट में आ गया। अब है तीसरा सवाल, y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144, y स्क्वायर का गुणनखंड यहाँ 1 है तो 1 × 144 कर देंगे, 144 ही आएगा। इसका गुणनखंड हमें इस प्रकार से करना है कि प्लस, देखिए यहाँ ये प्लस है तो प्लस करने पे 12 आना चाहिए, सॉरी प्लस करने पे 24 आना चाहिए, प्लस करने पे 24
4 आना चाहिए, तो 144 है, तो 12 गुणे 12 144 होता है, 12 12 प्लस करेंगे तो 24 आ जाएगा। समीकरण y में है तो y ही आ जाएगा। पहला चिन्ह प्लस का था, यहाँ पर पहला चिन्ह प्लस है तो यहाँ भी पहला चिन्ह प्लस प्लस हो जाएगा। दोनों चिन्ह प्लस ही है तो बीच में भी प्लस इंटू प्लस प्लस ही आ जाएगा, तो बीच वाला पद मिल गया प्लस 12y प्लस 12y। तो फर्स्ट स्टेप वैसे का वैसे, थर्ड स्टेप भी वैसे का वैसे, खाली बीच वाला पद जो है प्लस 12y प्लस 12y हो जाएगा। इन दोनों में देखिए y कॉमन है तो क्या बचा, y प्लस 12 बचा। यहाँ पर देखिए 12 और 144 का मतलब भी 12 गुणे 12, तो 12 दोनों में कॉमन है, 12 कॉमन ले लिया, y बचा और यहाँ 12 बचा। गुणा करेंगे तो देखिए 12 इंटू वाई 12 वाई 12 इंटू 12 144। अब y प्लस 12 कॉमन क्या बचा, y प्लस 12 बचा, तो ये गुणनखंड हो गया। चौथा सवाल थोड़ा सा अलग है क्योंकि अब तक यहाँ गुणांक 1 आ रहा था, अब यहाँ 5 आ रहा है। करना क्या, स्टेप वही है, अभी तक हम 1 इंटू 140 अभी तक हम लोग ये 1 इंटू 144 कर रहे थे, 1 इंटू 9 कर रहे थे, अब यहाँ 5 इंटू 10 करेंगे। तो रफ़ में देखिए 5 इंटू 10 क्या 50 हो गया। 50 का गुणनखंड करना है कि माइनस करने में 5 आना चाहिए, तो 10 पचे 50, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 ही आ जाएगा। ये प्लस है तो पहला प्लस ही रहने वाला है, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, तो बीच में भी माइनस, और समीकरण वाई में है तो दोनों के साथ वाई आ जाएगा। तो 5y स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा, माइनस 10 भी वैसे का वैसे रहेगा। अब यहाँ पर क्या मिल रहा था, प्लस 10y माइनस 5y, तो प्लस 10y माइनस 5y मिल गया। अब कॉमन देखिए 5 दूनी 10 और यहाँ भी 5 है, तो 5 कॉमन आ रहा है। वाई स्क्वायर और वाई में भी देखिए वाई कॉमन आ रहा है, 5y कॉमन, वाई बचा। 10y में से देखो 5y जा चुका है, तो सिर्फ 2 ही बचेगा। आप गुणा करके चेक कर सकते हैं, ऊपर का ही आना चाहिए। 5y इंटू 5 5y स्क्वायर 5y इंटू 2 करेंगे तो 5 दूनी 10y ही आएगा। ये माइनस है तो माइनस कॉमन, 5 और 10 है, देखिए 5 10 तो 5 दूनी 10 5y 5 दूनी 10 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लिया, 5y में से 5 कॉमन तो y बचा। अब ये माइनस का मतलब प्लस इंटू माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस, और हम माइनस कॉमन ले चुके हैं तो माइनस में से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो प्लस ही बचता है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। 10 2 5 10 होता है, 5 कॉमन था तो इसलिए 2 बचा। अब इन दोनों पदों में y प्लस 2 कॉमन है तो ये यहाँ लिख दिया, y प्लस 2 कॉमन लेने के बाद 5y माइनस 5 बच रहा है, तो ये इस ब्रैकेट में आ गया। अब पांचवे सवाल पे p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 35, ये पहले के जैसा ही सवाल है, इसका रफ देखिए मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप लोग अच्छी तरह से समझ के कर लीजिएगा। इसी तरह से छठा सवाल है, यहाँ भी 1 इंटू 44 करेंगे, फिर 44 आएगा, उसका गुणनखंड करेंगे कि माइनस करने पे 7 आना चाहिए, तो 11 चौक 44, 11 में से 4 माइनस करेंगे 7 ही आ जाएगा। पहला चिन्ह माइनस है तो यहाँ भी पहला चिन्ह माइनस ही होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो दूसरा चिन्ह प्लस, कॉमन वैसे ही लेना है जैसे मैं बता रहा था। फिर यहाँ भी 1 इंटू 120 करेंगे, फिर 120 का गुणनखंड करेंगे, प्लस करने पे 23 आना चाहिए, तो 15 8 120, 15 और 8 को प्लस करेंगे तो 23 आ जाएगा। यहाँ पहला चिन्ह माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही होगा, दूसरा चिन्ह क्या होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो दूसरा चिन्ह यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर वैसे ही कॉमन लेना है दो दो पदों में से। आठवां सवाल 1 इंटू 100, तो 100 आ जाएगा, गुणनखंड करना है 100 का कि प्लस करने में 25 आ जाए, तो 20 पंचे 100, 20 और 5 को प्लस करेंगे, प्लस आ जाएगा।
समीकरण m में है यहाँ पर, तो ये भी यहाँ m हो जाएगा। फिर ये पहला चिन्ह माइनस है तो यहाँ भी ये माइनस हो जाएगा, और माइनस इंटू प्लस माइनस तो ये भी माइनस। फिर आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, तीन पंद्रह हम पंद्रह तिया पैंतालीस, तो ये पैंतालीस आ जाएगा। गुणनखंड करेंगे नौ पचे पैंतालीस, क्योंकि नौ और पाँच को प्लस करने पे चौदह आता है, तो ये नाइन एक्स प्लस फाइव एक्स आ गया। पहला चिन्ह प्लस है तो यहाँ भी प्लस, दूसरा चिन्ह प्लस इंटू प्लस प्लस होता है तो इसलिए दूसरा चिन्ह तो प्लस आ जाएगा। फिर ये जो तीसरा चिन्ह है ये तो हमेशा यही वाला चिन्ह लगाना पड़ता है जो यहाँ दिया गया है, कि कॉमन लेना है हमें दोनों में से। और ये आंसर दसवां सवाल, दो गुणे पैंतालीस करेंगे नब्बे आ जाएगा, फिर नब्बे का गुणनखंड करेंगे घटाने पे वन आना चाहिए, तो ये मिल जाएगा दस नवाई नब्बे, दस एक्स नौ एक्स हो गया। पहला चिन्ह प्लस है तो यहाँ भी पहला चिन्ह प्लस हो जाएगा, प्लस दस एक्स। दूसरा माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो दूसरा चिन्ह माइनस में आ जाएगा। फिर बीच वाले पद के स्थान पे मान रख देंगे, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, उसके बाद पहला और दूसरा इन दो पद में से कॉमन जो बचा वो यहाँ लिख दिया। दसवां सवाल भी हल हो जाएगा। आप बार बार वीडियो अच्छी तरह से देखिए, समझिए, ना समझ में आए फिर से मुझे आप संपर्क करिए, मैं अब वापस से आपको समझाऊँगा। लेकिन जब तक ना समझे आप उसको समय देते रहना है, उसके पीछे पड़े रहना है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। इस तरह के सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नवीं दसवीं में भी मिलने वाले हैं, इसलिए बिना समझे इसको छोड़ना नहीं है आप लोगों को। मेरी जो भी ज़रूरत पड़े आप मुझे संपर्क करिए, मैं पूरी सहायता करूँगा आपको। फिर है बीस और ये आठ, तो बीस अट्ठे एक सौ साठ, तो बीस अट्ठे एक सौ साठ, साठ गुणनखंड करना है, प्लस करने पे छब्बीस आना चाहिए, तो ये सोलह दहम में एक सौ साठ होता है, सोलह और दस को प्लस करेंगे छब्बीस आ जाएगा। फिर ये माइनस है तो यहाँ भी पहला चिन्ह माइनस ही होगा, दूसरा चिन्ह माइनस इंटू प्लस माइनस, और तीसरा चिन्ह तो ये जहाँ पर जो होता है वही चिन्ह लग जाता है। फिर इन दोनों में से कॉमन, और इन दोनों में से कॉमन ले लिया, फाइव एक्स माइनस फोर कॉमन, फोर एक्स माइनस टू बचा, तो ग्यारहवां सवाल भी हल हो गया। बारहवां सवाल है यहाँ पर चौवालीस और तीन है, तो चौवालीस गुणे तीन करेंगे तो वन थर्टी टू आता है, तो हमें इस तरह से गुणनखंड ज्ञात करना है कि माइनस करने पे, माइनस करने पे वन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ वन एक्स। तो जब कभी कभी समझ नहीं आता तो एक तरीका और भी है, अभाज्य गुणनखंड से भी हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 132 है तो मैंने अभाज्य गुणनखंड किया। अभाज्य गुणनखंड का तरीका है कि ये अगर सम संख्या होगी तो हमें दो से ही भाग देना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इकाई अंक एक सम संख्या है तो दो से भाग देंगे, दो छंग बारह, एक से शेषफल बचा तो वापस बारह हो गया, तो दो छंग बारह हो गया, दो तिहाई छः, दो तिहाई छः, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, ग्यारह एकम ग्यारह। तो हमें क्या चाहिए था, माइनस करने पे वन आना चाहिए था। तो यहाँ देखिए, दो दूनी चार, त्याई बारह, ये मिलके बारह हो रहा है और ये ग्यारह हो रहा है, तो बारह और ये ग्यारह का गुणन कूड़ा करेंगे तो 132 आएगा, और इसे माइनस करेंगे तो वन आएगा, तो ये बारह और ग्यारह मिल गया। पहला चिन्ह माइनस था तो माइनस हो गया, और दूसरा भी चिन्ह माइनस था तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो इसलिए दूसरा चिन्ह प्लस हो गया। पहला पद वैसे का वैसे ही लिखना है, ये दूसरा और तीसरा पद जो हमने यहाँ रफ में ज्ञात किया है वो लिखना है, और ये आपका चौथा पद। इसके बाद पहले दूसरे पद से कॉमन लेना है, फिर तीसरे और चौथे पद से भी कॉमन, फिर वापस कॉमन लेना है, जैसे ग्यारह एक्स माइनस तीन कॉमन है दोनों में, दोनों पद में है, तो इसको भी कॉमन ले लिया, क्या बचा, फोर एक्स प्लस वन बचा। तो इस तरह से ये 6.1 के 12 सवाल मैंने हल किए हैं, मैंने समझा भी दिया किस तरह से करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, आप सब इसे समझिएगा, कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछिएगा। धन्यवाद।